प्रश्नोत्तर सद श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। जय श्री प्रभुपाद। तो कुर्सियां और लगा देनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठना चाहे आराम से बैठ सकते हैं, पैर दुखने लगेगा इसलिए। हरे कृष्णा, मैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं हिज होलीनेस श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज का स्वागत करता हूं जो वृंदावन से आए हैं, और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच में आज आए हुए हैं और 5 दिन ये सप्ताह करेंगे। तो आप लोग आप आए हैं और आप लोग जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए मैं भूरी भूरी धन्यवाद करता हूं आप लोगों को। और आप सभी लोग जो बाल्टीमोर से हमारे मंदिर से आए हुए हैं और कई न्यू जर्सी से आए हुए हैं, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू डिवोटीज हु जस्ट जॉइन्ड अस फॉर दिस सप्ताह। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ 7 डेज अफेयर दो, इट्स गोइंग टू बी जस्ट 5 डेज। महाराज इज कम ऑल द वे फ्रॉम वृंदावन एंड ही इज गिविंग अस हिज वेरी वैल्यूएबल एसोसिएशन, सो आई रियली वेलकम हिम and I again request you to give him a big hand and welcome him again once again. Hari Bol. So without any delay, since we're already late by about 10 minutes or so, I request His Holiness Radha Govind Goswami Maharaj to start the katha so that we can also release his katha. Hari Bol. नमोम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थोड़ा सा नीचे इसको करना चाहिए। ॐ नमो भग
भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इस पोटोमक मंदिर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और गौर निताई के चरण कमल में बैठकर उनके गुणगान का अवसर मिला, इसके लिए मैं भक्तों को धन्यवाद देता हूं। और आप इस कथा के आयोजन में पधारे, इसके लिए आपका स्वागत है। भगवान कृष्ण कृपा करेंगे आप पर। मुझे बहुत आनंद आता है जब भक्तों के बीच बोलना पड़ता है, बोलने को मिलता है, क्योंकि वे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। और बहुत से भक्त दीक्षित हैं जो रेगुलर कृष्ण की सेवा करते हैं, तो वे बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कथा को। ऐसे श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम पढ़ने और सुनने पर बहुत जोर दिया है। सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद वेदव्यास देव बिल्कुल खिन्न थे, वो रो रहे थे, उन्हें शांति नहीं थी। तब श्री नारद जी ने बताया कि जिस कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है उस कार्य को आपने नहीं किया। आप अपने पर विचार कीजिए, आप भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, आप अवतार लिए हैं कृष्ण के गुणों का वर्णन करने के लिए, लेकिन आपने अब तक किया नहीं। आपने महाभारत ग्रंथ की रचना किया, बहुत अद्भुत ग्रंथ है, लेकिन धर्म अर्थ काम इन्हीं का आपने बहुत वर्णन किया है, भगवान की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, कृपा, लीला आदि का आपने विस्तार से वर्णन नहीं किया। इसलिए आप एक ऐसा ग्रंथ रचिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण के गुणों का और लीलाओं का प्रचुर वर्णन है। उसको सुन करके ही जीवों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति होगी, और जब भक्ति होगी तो सारे अनर्थों का नाश हो जाएगा और जीव परम आनंद में मग्न हो सकते हैं। श्री नारद जी के आदेश से भगवान वेदव्यास देव ने श्रीमद् भागवतम की रचना किया। उस समाधि में भगवान श्री कृष्ण को, उनकी माया शक्ति को, अंतरंगा शक्ति को, सबको देखे, और यह भी देखे कि जीव किस प्रकार माया के कारण देह में आत्मबुद्धि कर लिया है और इसके कारण अनेक अनर्थ अर्थात दुख भोग रहा है। तो भागवत की रचना उन्होंने इस तरह से किया और करके उसको सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। इसके बाद वेदव्यास देव बिल्कुल प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए। तो वास्तव में भगवान वेदव्यास देव के जीवन की अंतिम कमाई है श्रीमद् भागवतम, और इसे सुनने की बहुत प्रथा है, परंपरा है हमारे देश में और इधर भी। एक बार भागवत सुनने की इच्छा होती ही है सबको, लेकिन वैसे वेदव्यास जी ने कहा है कि इसे रोज सुनना चाहिए। नित्यम भागवत सेवाया, नित्यम का अर्थ प्रत्येक दिन। तो कभी कभी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, जैसे महाराज परीक्षित को 7 दिन ही जीना था तो उन्हें सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन सुनाया, और ऐसे सप्ताह की विधि पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दी गई है। अनेक काम धंधों में फंसे होने के कारण लोगों को अवसर नहीं मिलता है सुनने का, इसलिए आयोजन करके 7 दिन का सेमिनार जिसको कहते हैं सत्रम, उसे करके इसे सुनने की विधि है। तो आप सभी भक्तों का मैं परम आभारी हूं कि आपने हमें अवसर दिया इस अपने मंदिर में बोलने का। तो इस प्रसंग में, इस सत्र में, यहां पर जजाति महाराज के गृहस्थ जीवन का और उनके वैराग्य तथा वैकुंठ प्राप्ति का वर्णन किया जाएगा। गृहस्थों के लिए यह कथा बहुत ही उपादेय है।
श्रील सुखदेव गोस्वामी कोई भी कथा वंश परंपरा से कहते हैं, इसके बाद वह, इसके बाद वह, तो सोम वंश का वर्णन कर रहे हैं इस समय। सोम वंश, क्षत्रियों के दो वंश इस पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध हैं, सोम वंश और विवस्वान का वंश। विवस्वान मतलब सूर्य वंश और सोम का चंद्र वंश। तो चंद्र वंश को कह रहे हैं, उसी में महाराज जजाति आते हैं। कोई भी वंश है पहले भगवान से चलता है, अहम सर्वस्य प्रभव। कारणोदकशाही भगवान से, गर्भोदकशाही भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। अत्रि के तीन पुत्र हुए, दत्तात्रेय भगवान, दुर्वासा जी और सोम चंद्र। सोम वास्तव में उनका नाम है जो चंद्र लोक के इस समय मालिक हैं, अधिपति हैं। इस तरह से वंश चला। तो भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से सोम और सोम से बुध का जन्म हुआ और बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु महाराज, आयु से नहुष और नहुष के पुत्र हैं जजाति। श्री सुखदेव गोस्वामी इस तरह से गिना रहे हैं। एक ही एक पुत्र नहीं हुए, बहुत पुत्र हुए, लेकिन प्रधान को गिनाया जा रहा है। भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष के छह पुत्र हुए। यहां से कथा हम चालू कर रहे हैं, नवम स्कंध के 18वें अध्याय से। श्री सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर इस कथा को कह रहे हैं। परम पवित्र कथा है, सुनने वालों का भगवान कृष्ण में प्रेम बढ़ता है और संसार की आसक्ति कम होती है। इस कथा का ये फल है, बाद में बताया जाएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जति ही जजाति ही संयति ही आयति वियति कृति ही सडिमे नहुषस्यासन इंद्रियाणेव देहिनः। जति जजाति संयातिर आयति वियति और कृति, सबके अंत में ऐसे ऐसे ती ती लगा। ये नहुष के छह पुत्र थे। सड इमे नहुषस्यासन इंद्रियाणि व देहिनः, जैसे आत्मा को, देह धारण करने वाले देही आत्मा को छह इंद्रियां मिलती हैं, तो पांच ज्ञान इंद्रियां और एक मन, इनको सड इंद्रिय कहते हैं। तो जैसे छह इंद्रियां होती हैं आत्मा की, देहधारी जीव की, वैसे महाराज नहुष के छह पुत्र हुए। सुखदेव गोस्वामी ऐसे कथा कह रहे हैं। केम इससे दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे आत्मा की छह इंद्रियां होती हैं, देहधारी आत्मा की छह इंद्रियां होती हैं, तो जैसे आत्मा के अधीन ही सारी इंद्रियां हैं, इस तरह से वे छह पुत्र बड़े अनुगामी थे पिता के। ये कहने का आशय है, नहुष महाराज के छह पुत्र अनुगामी थे, ऑबेडिएंट सन थे। तो नहुष के बाद जैसी परंपरा है, सबसे बड़े पुत्र जति थे, उनका नाम था जति। तो जति ने राज्य नहीं लिया, पिताजी राज्य दे रहे थे, पूरा संसार का राज्य वैभव उनको राजा बना रहे थे, रूल करने के लिए पावर दे रहे थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राज्यम नैक्षत जति पित्रा दत्तम तत्परिणामवित्। जत्र प्रविष्ट पुरुषो आत्मानम नावबुद्ध्यते। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजा नहुष है, अपने ज्येष्ठ पुत्र जति को राज्य दे रहे थे, राजा बना रहे थे, लेकिन राज्य न इच्छत जति, जति ने राज्य की इच्छा नहीं किया, वो राज्य नहीं लिए। इससे पता चलता है कि पहले के लोग कितने भगवत भक्ति में रहते थे, राज्य की इच्छा नहीं हुई बिल्कुल, देने पर भी। आज के युग में लोग झगड़ा करते हैं और पिता राज्य दे रहा है, जेठ पुत्र का सहज अधिकार है, लेकिन नहीं लिए,
इच्छा तक नहीं की, न ऐच्छत। क्यों? तत्परिणामवित, राजा बनने का परिणाम वे जानते थे। राजा बनने पर क्या होता है, क्या गड़बड़ी हो जाती है कि जत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मानम नाव बुद्धते। राजा बनने पर, बड़ा मैनेजर बनने पर व्यक्ति अपने को भूल जाता है, आत्मानम न अवबुद्धते, अपने को नहीं जानता है अपने को, कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं और इस नाते से सभी जीवों से मुझे प्रेम करना चाहिए, भोगों से दूर रहना चाहिए। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। मैं चिन्मय जीव हूं, मैं देह नहीं हूं, और भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा नित्य संबंध है, और उस नित्य संबंध के अनुसार हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इस बात को धनी आदमी भूल जाता है, क्योंकि धन उसे भोगों की प्राप्ति में सहायता देता है, तो वह नाना प्रकार के देखने के, सूंघने के, छूने के, खाने के विषयों में फंस जाता है। तो आत्मानम न अवबुद्धते, न जानाती, अपने को नहीं जानता। वास्तव में जो लोग इस संसार में बहुत बड़े पद पर हैं और जिनके पास काफी धन है, वे लोग इंद्रियों के भोगों में ही लगे रहते हैं, वे आत्मा के हित को नहीं पहचान पाते। और उसमें भी कोई राजा हो और संपूर्ण भूमंडल का राजा हो, तब तो कहना ही क्या। वो केवल भोगने पर पड़ जाता है दुनिया को, और धन उसमें सहायता देता है, धन से ही सब चीज भोगा जाएगा। धन से व्यक्ति वायुयान पर घूमता है या कुछ भी खरीद सकता है, और धनी आदमी मनमाना शराब भी पीता है और अवैध स्त्री संग करता है धन के बल से। इस तरह उसकी इंद्रियों का प्रवाह माया की तरफ अधिक अधिक धस जाता है। इसलिए जति नहीं लिए राज्य, इसका मतलब कि भगवान की भक्ति करने के कारण ने ज्ञान था, और भक्ति करने के लिए ही राज्य नहीं लिए, ये झंझट में नहीं पड़े। तत्परिणाम भी जानते थे राज्य का परिणाम। तब अब जब बड़ा पुत्र राज्य नहीं लिया, तब सेकंड नंबर के जजाति महाराज, जतिर जजाति संयाति आयति व्यति कृति, दूसरे नंबर के पुत्र थे, ये भी राज्य नहीं लिए। पिता कहे कि तब तुम राज्य करो, तुम राजा बनो, तो ये कहे नहीं, बड़े पुत्र, बड़े भाई का अधिकार है राज्य पर, हम नहीं राज्य लेंगे। लेकिन जति घर छोड़ करके चले गए वन में, और इसके बीच में क्या हुआ कि नहुष महाराज को स्वर्ग से निमंत्रण आया। इंद्र भगवान ने वृत्रासुर का वध कर दिया था, उन पर ब्रह्म हत्या लगी थी, इस कारण से वे 1000 वर्ष तक मान सरोवर में कमल नाल के भीतर निवास कर रहे थे बिना खाए पिए। तो स्वर्ग का पद खाली था, कोई इंद्र नहीं था। तो सारे देवताओं ने मिल करके महाराज नहुष से निवेदन किया कि आप इंद्र बनिए, और जब तक इंद्र नहीं आते हैं तब तक स्वर्ग को संभाल दीजिए। इतने महान प्रतापशाली मनुष्य हुआ करते थे उस समय, उनको इंद्र बना करके वो ले गए स्वर्ग में, विमान लेकर आए थे। तो जब नहुष महाराज स्वर्ग चले गए, तो स्वर्ग से ही वे स्वर्ग का भी राज्य देखते थे, देवताओं की रक्षा करते थे, और पृथ्वी का भी शासन करते थे, दोनों जगह। लेकिन स्वर्ग में एक घटना घटी, पितरी भ्रंसिते स्थानाद इंद्राण्या धर्षणाद द्विजय प्राप्ते अजगरत्व में जजाति र भवन निरपह। जब नहुष महाराज अजगर हो गए, तब उनके पुत्र, दूसरे पुत्र जजाति महाराज नृपह अभवत, राजा बने। इन्होंने स्वर्ग से सब कुछ खबर पा लिया। आजकल जो भी खबर छपती है या आता है, तो इस पृथ्वी की खबर होती है, लेकिन उस समय पूरे ब्रह्मांड से संवाद आता था सब जगह से। नारद जी तो प्राय सब जगह घूमते ही रहते थे, देवता भी आते रहते थे, जैसे हम लोग बैठे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं,
वैसे देवताओं को देखा जाता था पृथ्वी पर महाराज परीक्षित के शासन तक। अब वे नहीं आते हैं, अब दिखाई नहीं पड़ते, इतने गंदे समाज में वो आना चाहते नहीं है, देवताओं की ये दशा। तो उस समय तुरंत खबर आई कि महाराज नहुष अजगर सर्प हो गए। कहे कि इतने बड़े राजा थे, देवता के पद पर गए और वहां से सर्प हो गए। तब जजाति ने राज्य स्वीकार किया। क्यों ये अजगर हो गए? इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इंद्राण्या धर्षणार्थ, इंद्राणी ने ऐसा किया। इंद्राणी मतलब इंद्र की पत्नी। ऐसा हुआ कि जब नहुष महाराज स्वर्ग के राजा बनाए गए तो वहां का लाखों गुना अधिक वैभव है, उसको पा करके ये बिल्कुल सेंस खो दिए। सेंस खो देने का मतलब कि एक नंबर के विषयी हो गए और बहुत बड़ा अभिमान आ गया। पृथ्वी का मनुष्य, एक राजपूत, और स्वर्ग में गया इंद्र के पद पर, तो वहां का आसन, वहां का विमान, वहां का खान पान, अमृत पीना और वहां की स्त्रियां, ये सब देख करके और उस पद पर रहने से बिल्कुल अभिमान में हो गए और सोचे कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं, ये हूं। तो एक दिन उनके मन में आया, इंद्र का घर मेरा घर है, इंद्र का आसन मेरा आसन है, इंद्र का विमान, इंद्र का सब कुछ, इंद्र का चामर व्यजन सब कुछ मेरा है, अतः इंद्र की पत्नी भी मेरी है। ये उनके मन में दुर्विचार आ गया। धन का यही स्वभाव होता है वास्तव में। ये सब बातें बताई गई हैं शास्त्रों में। व्यक्ति अत्यधिक धन और पद से उन्मत्त हो जाता है, और सब कुछ तो भोग ही रहे थे, इंद्र का जो कुछ था वे भोग रहे थे। एक दिन उन्होंने डायरेक्ट इंद्र की पत्नी को बुलाया, जहां उनका एकांत निवास था, बुलाए और कहे, देखो इस समय स्वर्ग का राजा मैं हूं और इंद्र का जो कुछ भी है सब मेरा है, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो और मेरी सेवा में तुम मेरे बेड पर आओ। वो पतिव्रता स्त्री सुनते ही कांप गई। भगवान इंद्र की पत्नी सची उसका नाम है। वो बेचारी दुख में पड़ गई, अब हम क्या करें, राजा का अनुशासन था, आज्ञा थी, विपत्ति में बेचारा कई क्या करे। जब संकट का समय आता है तो उस समय गुरु महाराज की शरण ली जाती है, या श्रेष्ठ व्यक्ति की, जो हमें उचित राय दे, बुद्धि दे। तो वो अपने गुरु की शरण में गई, बृहस्पति जी के। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ऐसे ऐसे राजा नहुष ने आज्ञा दिया है, आप हमारी लाज बचाइए, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो वो बहुत बड़े विद्वान पुरुष हैं बृहस्पति जी। उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत करो, ठीक है, तुम स्वीकार कर लो कि आप मेरे पास आ सकते हैं। मुझे लज्जा आ रही है, मैं पतिव्रता कुलीन नारी हूं, मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आप मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। गुरु जी ने बताया कि एक शर्त करो कि वे साधारण कहारों को पालकी में न लगावें। इंद्र हैं, इतने बड़े पद पर हैं, तो जितने सप्तर्षि हैं, सात ऋषि जो इंद्र के समय में रहते हैं एक मनवंतर में, उनको पालकी में जोत करके आइए, तब मैं समझूंगा कि आप इतने महान हैं, ब्राह्मणों के भी ऊपर हैं, ये हैं वो। ओ सुना, कहा बस इतनी शर्त? ये सब ब्राह्मण खा पी करके मोटे हुए हैं, इतना दिन आराम से रहे, पालकी नहीं ढो सकते हैं? देखिए ये बातें आई, तो यह विचार उनको नहीं लाना चाहिए था। राजा है तो क्या, सप्तर्षि सात ब्राह्मण परम पूज्य हैं इंद्र के, वो इंद्र भगवान इनके चरणों में प्रणाम करते थे, हमेशा नीचे बैठते थे, और आज इंद्राणी ने कह दिया कि तब मैं आपका प्रभाव समझूंगी जब आप सात ऋषियों को, ब्राह्मणों को पालकी में लात जोत करके और मेरे पास आएंगे चढ़ करके पालकी पर। तो नहुष सुने और बस तुरंत कहा, बस ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद उन्होंने आज्ञा दिया सातों ऋषियों को कि आप लोगों को मेरी पालकी ढोना है,
अब तो डायरेक्ट आज्ञा हुआ, वो करें क्या? जैसे कोई गृहस्थ आदमी और सात सन्यासी को कहे कि तुमको मेरा जूता साफ करना है, तो ये हद बात हो जाएगी। तो इस तरह से स्वर्ग में पहुंचा हुआ एक मनुष्य और बहुत काल से सात ऋषियों सप्तर्षि मंडल रहता है, इंद्र को ये लोग बुद्धि देते हैं, मनु महाराज को बुद्धि देते हैं, डायरेक्ट शासन में नहीं रहते हैं, डायरेक्ट मैनेजमेंट में नहीं रहते हैं, लेकिन बुद्धि वही देते हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वे लोग इस विपत्ति में पड़ गए, अब करें क्या? सब आए नहुष के पास, एक खुली पालकी थी, कपड़ा ऊपर से नहीं डाला गया, खुली पालकी थी, और नहुष बैठे, सातों ऋषि लगे उसमें, एक तीन, एक तरफ तीन, एक तरफ चार। चलो, कभी एक किलो वजन नहीं ढोए होंगे वे सप्तर्षि, और आज इस खा पी करके मोटा हुए, इस राजा को ढोना पड़ा उनको, तो वो चल नहीं पा रहे थे, और वो काम से बिल्कुल उन्मत्त हो रहा था, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो संस्कृत में सर्प 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 का अर्थ है सर को, जल्दी चलो जल्दी चलो, दौड़ते हुए चलो, बिल्कुल काम वासना से वो व्याकुल था, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, चल नहीं रहे थे, वो कहार तो थे नहीं कि जल्दी जल्दी साबस साबस करके चले, बेचारे चल रहे थे अपनी गति से। तो आगे उसके पालकी के निकट, उसके चरण के पास अगस्त जी थे, दुर्वासा जी भी उस पालकी में लगे हुए थे, और ऋषि मुनि थे। तो देर हो रही थी, काम वासना से उन्मत्त था, तब तक तो अगस्त जी को लात से मारा और राजा और कहा कि सर्प सर्प। इस पर अगस्त जी ने तुरंत कहा ब्राह्मणों से, पालकी रोकी है, तुम तुरंत सर्प हो जाओ, सर्प सर्प कहते। अब तो महाराज नहुष का ज्ञान आ गया कि ओहो, मैं कितना नीच काम कर रहा, इन पूज्य ब्राह्मणों को पालकी ढोने में लगाया है। वो रोने लगे, आधा शरीर उनका अजगर का तुरंत हो गया, और ऊपर का भी मनुष्य का था, वो भी तुरंत अब होने वाला था सर्प के आकार में, लेकिन हाथ जोड़कर अगस्त जी से कहने लगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वास्तव में हे मुनिवर, ये मेरा दोष नहीं है, ये इस पद का और धन का दोष है, मैं बहुत बड़े पिता का पुत्र हूं, मेरी मति धर्म में लगी रहती थी, लेकिन जब मैं यहां आया स्वर्ग में और यहां का वैभव देखा, इस पद पर हुआ, तो मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत कर रहा हूं, तो आप कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए कि आपका यह साप जल्दी खत्म हो जाए, मैं जल्दी फिर से मनुष्य योनि में आ जाऊं या देव योनि में आ जाऊं, ऐसी कृपा कीजिए। तो साधुओं में क्रोध तो क्षण भर का होता है, अब अगस्त जी को के हृदय में कृपा उत्पन्न हो गई, उन्होंने कहा ठीक है, देखो यहां से बंद कर देना चाहिए, आवाज आ रही बहुत। अगस्त जी ने कहा महाराज नहुष से, तुम जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से बात करोगे तो उनके संग से और बात से तुम सर्प योनि से मुक्त हो जाओगे, इतना आश्वासन मिला नहुष को। और एक और भी उन्होंने कहा कि तुम्हारे भोजन की व्यवस्था मैं कर रहा हूं, अजगर कोई काम नहीं करता है और खाता बहुत है, तो वो कहे कि जब मैं अजगर हो जाऊंगा सर्प हो जाऊंगा तो भोजन कैसे पाऊंगा। तो अगस्त जी ने कहा कि देखो, दिन के छठे भाग में, अगर दिन को छह भाग में बांटा जाए तो शाम को छठे भाग में किसी भी जीव को तुम पकड़ लोगे, बलवान से बलवान हाथी सिंह बाघ या दूसरे और भी जीव, तो वो तुम्हारे चंगुल से नहीं छूट पाएगा, वो तुम्हारा भोजन बन जाएगा। तो ये उन्होंने व्यवस्था दिया, तो जजाति महाराज का शरीर छूटा और वे अजगर बन गए, विचित्र अजगर बने, बहुत बड़ा,
और उनको ये बात याद थी कि अगस्त जी ने ऐसा कहा है कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, किसी महान पुरुष से बात करने पर तुम अजगर योनि से मुक्त हो जाओगे। तो इस बात की वो हमेशा प्रतीक्षा करते थे कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से कब मेरी भेंट होगी, कब बात होगी। वो कथा तो बहुत विस्तार से है, मैं संक्षेप में कह रहा हूं। एक दिन की बात थी, बहुत काल के बाद ईश्वर के सतयुग की घटना थी और द्वापर के अंत में एक घटना थी कि पांडव लोग राज्य हार करके जुए में वन में गए थे 12 वर्ष के लिए और 1 वर्ष अज्ञातवास करना था। तो एक बार वे लोग अद्वैत वन में रह रहे थे, महाभारत में लिखा है। उनके साथ महारानी द्रौपदी भी थी। तो भीमसेन जब वन में जाते थे तो वे बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देते थे, पहाड़ों पर्वत पत्थर को तोड़ देते थे, रास्ता साफ कर देते थे। एक दिन में ऐसा करते हुए गए तो और सब भाई तो लौट आए आश्रम पर, लेकिन भीमसेन नहीं लौटे। तो गुरुजी साथ में थे, धौम्य मुनि वनवास के समय। तो उन्होंने कहा कि चलो भीम को खोजें। युधिष्ठिर महाराज रोने लगे कि भीमसेन कहाँ गए, कहाँ गए। तो शाम हो गया था और 6ठा भाग भी बीत रहा था। तो भीमसेन का पता लग जाता था कि इधर वृक्ष को तोड़े हैं, उधर सिंह को मारे हैं, उधर ये किए हैं, उधर ये किए हैं। तो सब लक्षण देखते देखते युधिष्ठिर महाराज और धौम्य ऋषि गए। और वास्तविक बात थी, भीम जब ऐसा करते हुए जा रहे थे तो नहुष ने उनको पकड़ लिया। तो पहले तो भीमसेन समझे थे कि साधारण अजगर है, मैं मार दूंगा, लेकिन जैसे जैसे जोर लगा रहे थे वैसे वैसे वो उनको ऐंठता जा रहा था अपने शरीर से। और भीमसेन की शक्ति एकदम पस्त हो गई और नहुष को ये बात याद थी कि ये हमारे वंश में उत्पन्न, हमारा ही मतलब वंशज है, इसी वंश में आगे चल करके दुष्यंत हुए, पुरु जजाति महाराज के पुत्र पुरी पुरु, और पुरु से आगे चल करके दुष्यंत हुए, दुष्यंत से भरत, इसी भरत के वंश में उत्पन्न होने के कारण अर्जुन को बार बार भगवान भारत संबोधन किए हैं गीता में। तो इसी वंश में आगे चल करके पांडव हुए जो हस्तिनापुर के राजा बने थे। भीमसेन को ये बात याद थी कि हमारे ही वंश में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति युधिष्ठिर जन्म लिया है, यदि मैं युधिष्ठिर से बात करूंगा तो मैं सर्प योनि से मुक्त हो जाऊंगा। यह स्मृति भी अगस्त जी की कृपा से मिली थी नहुष को। तो भीमसेन को वो इसीलिए पकड़े थे कि युधिष्ठिर आएगा और उससे बात करूंगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। अच्छे लोगों के साथ ही बैठना चाहिए और बात करना चाहिए जब भी समय मिले। तो थर्ड क्लास के आदमी का साथ नहीं करना चाहिए। तो नहुष पकड़ लिए भीम को और ऐसे मुख फाड़ करके लगता था कि खा जाएंगे, लेकिन खाते नहीं, जानते थे कि हमारे वंश का ही है और युधिष्ठिर इसको खोजते हुए आएगा तो मैं बात करूंगा। वही हुआ, धौम्य ऋषि के साथ युधिष्ठिर महाराज गए, देखे तो उनके भाई मर चुके थे, मतलब कोई चेतना नहीं थी, जीवित थे लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कोई चेतना नहीं है, सर्प ने काट दिया है, विष व्याप्त हो गया है, इसलिए भीमसेन में जीवन का लक्षण नहीं। लेकिन कुछ देर आगे बढ़े तो देखे कि वो ब्लिंकिंग कर रहे थे, आंखों के पलके गिर रही थी, तो समझे कि अभी मेरा भाई जीवित। उस सर्प को भी देखे कि अद्भुत सर्प है, ऐसा कोई दुर्गति में पड़ा हुआ श्रेष्ठ देवता या मनुष्य ही हो सकता। तो युधिष्ठिर महाराज कहे, बोलने में बहुत ही सुशील थे युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने कहा कि आप अजगर योनि में कौन हैं, कोई विशेष देवता हैं या जीव हैं, आप साधारण सर्प नहीं हैं, कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए और ये भीमसेन हमारे दूसरे भाई हैं, इनको आप छोड़ दीजिए कृपा करके। तो सर्प बोला, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मेरा ये स्वाभाविक भोजन है, मैं क्यों छोड़ दूं? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आपको भोजन से मतलब है ना, मैं कोई हाथी या सिंह या बड़ा जीव आपको दे दूंगा, आप उसको खा लीजिए और हमारे भाई को छोड़ दीजिए।
तो नहुष ने कहा कि जो हमारा स्वाभाविक नेचुरल आहार मिला है उसको छोड़कर तुम्हारी भीख पर क्यों जीऊं, तुम क्यों देने दोगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसको, हम नहीं छोड़ेंगे। वो सिर्फ नाटक कर रहे थे, हम इसको खाएंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं इसका सहोदर भाई हूं, आप हमको खा जाइए लेकिन इनको छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर महाराज यह याद कर रहे थे कि मेरी माँ बहुत दुख में है, मेरे भाई बहुत दुख में है, ये जीवित रहेगा तो उनके लिए कमाएगा, राज्य प्राप्त करेगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसलिए मुझको सर्प खा जाए, हमारा भाई जी जाए, वो पूरे परिवार को पालेगा। इन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज ने कि देखिए, अगर मैं तो भीम जैसा मोटा नहीं हूं, हो सकता है आपके भोजन में कुछ कमी पड़े तो हमारे और भी भाई हैं, मैं उनको बुलाऊंगा, आप दो को खा लीजिए लेकिन भीमसेन को छोड़ दीजिए। तो उसको तो खाना नहीं, उनको तो खाना नहीं था ना उसको। वो कहे कि अच्छा ठीक है, देखो मैं तुमसे कुछ प्रश्न करता हूं, मेरे प्रश्न का तुम उत्तर दे दोगे और तुम कुछ मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हारे भाई को मुक्त कर दूंगा, छोड़ दूंगा। वो तो किसी तरह बात करना चाहते थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है पूछिए। तो नहुष ने पूछा यह बताओ कि ब्राह्मण जन्म से होता है कि कर्म से, ये साफ प्रश्न है महाभारत में। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कर्म से, स्पष्ट उत्तर दिए। जन्म तो सबका एक ही समान होता है, लेकिन जिसमें सदाचार ज्ञान भगवान की भक्ति होती है उसी ब्राह्मण को ब्राह्मण माना जाता है, नहीं तो अगर केवल जन्म भर हुआ है उसमें कोई गुण नहीं है तो उसको प्रमाण नहीं माना जाता। कई कई बातें हुई, अंत में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, बाद में नहुष ने कहा, बाद में कहा था, तो नहुष महाराज ने पूछा, नहीं युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, कैसा आप बताइए कि इस संसार में कृष्ण भावना से गिराने वाली कौन सी वस्तु है सबसे भयानक, किस कारण से व्यक्ति भगवान की भक्ति से और आत्मज्ञान से गिर जाता है। तो नहुष महाराज ने कहा धन और पद, ये कैसे। तब नहुष कहते हैं बेटा मैं तुम्हारा पूर्वज हूं, तुम मुझे पहचानो, मैं नहुष हूं, आज इस दुर्गति में पड़ा हुआ हूं धन और पद के कारण, मैं इतना पवित्र वंश में जन्म लिया था लेकिन जब मैं स्वर्ग में गया मुझको इतना धन और बड़ा पद मिला तो मैं अंधा हो गया और सप्तर्षियों के द्वारा मैं अपनी पालकी ढोवा रहा था, उन्होंने साप दे करके ये गति किया है, मैं नहुष हूं, तुमने सुना है ना मेरा नाम। तब तो युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने लगे ये हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, प्रणाम किए, कहे आप कैसे इस दुर्गति में पड़ गए। तब तो उन्होंने सारी कथा सुना दिया जो मैंने यहां कहा, ऐसे ऐसे मेरा पतन हो गया, मैं अजगर की जोनी में गया, और उसी समय विमान आया स्वर्ग से और नहुष फिर स्वर्ग चले गए। तो एक गति हुई। तो जब तक ये अजगर जोनी में थे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रापिते अजगरत्वम वै जजाति रभवन नृप, जब जजाति महाराज को ये संवाद मिला कि उनके पिताजी अजगर बन गए हैं, सर्प योनी में चले गए हैं, तब वे राजा बने प्रजा का पालन करने के लिए। जब राजा बने तो उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चतश्रीष आदिशत भ्रातृन भ्राता जवी यश, उन्होंने चतश्रीषु दीक्षु चारों दिशाओं में अपने चार भाइयों को राजा बनाया। एक तो चले गए थे, राज नहीं लिए जति, बाकी पांच भाई बचे थे, तो अपने चार भाइयों को चार दिशा का राजा बनाए, उनको भी राजा बनाए। देखिए ये कहते हैं आदिशत, मतलब दिए, राज्य दिए, सबके ऊपर इनका शासन था लेकिन चारों भाइयों को राज्य दिए, भाई से भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए वास्तव में, दास जैसा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल एक पद का होता है तो भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता।
जजाति महाराज ने अपने भाइयों को चारों दिशाओं का राज दिया और कृतदारो जुगोपूर्विम काव्यस्य वृषपर्वण, शुक्राचार्य की पुत्री से उन्होंने विवाह किया और वृषपर्वा जो दैत्य हैं उनकी पुत्री शर्मिष्ठा से उन्होंने विवाह किया। इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न का किए कि ब्रह्मर्षि भगवान काव्य छत्र बंधुश्च नाहुष, राजन विप्रयोग कस्मात् विवाह प्रतिलोमक, कहां शुक्राचार्य ब्रह्मर्षि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और राजा जजाति एक राजर्षि हैं क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय का विवाह ब्राह्मणी से कैसे हुआ? इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं, उल्टा विवाह। अनुलोम विवाह ऐसा होता है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, अगर लड़का ब्राह्मण है तो वह क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता है, और यदि क्षत्रिय है तो वैश्य की कन्या से विवाह कर सकता है, और वैश्य है तो शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता है। प्रतिलोम विवाह उसे कहते हैं कि यदि ब्राह्मण कन्या है और क्षत्रिय उससे विवाह करे तो उल्टा विवाह, इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं ठीक है, वृषपर्वा की पुत्री से उन्होंने विवाह किया तो वो क्षत्रिय है वृषपर्वा, और शर्मिष्ठा उनकी कन्या भी क्षत्रियाणी है, तो वो तो विवाह ठीक है, लेकिन देवयानी से कैसे विवाह किया महाराज जजाति ने? इतना धर्मात्मा होकर भी क्षत्रिय होते हुए उन्होंने एक ब्राह्मणी से कैसे विवाह किया? कितना पवित्र संबंध पहले का था हम लोग समझ सकते हैं। आज के युग में कोई कुछ विचार ही नहीं करता कौन व्यक्ति कैसा है, उसका शुरू से क्या आचरण रहा, उसके कुल खानदान कैसे रहे, ये सब पर विचार करके तब कन्यादान दिया जाता है। तो महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ? वास्तव में यह ईश्वर का विधान था। कोई कोई बात ऐसी होती है जो डायरेक्ट भगवान के द्वारा की होती है, आदमी का वश नहीं चलता है। यह प्रश्न किया जा रहा है कि इतना बड़ा धर्मात्मा अधर्म कैसे किया, क्यों वेद के विपरीत आचरण किया? तो उत्तर आ रहा है, एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्या का सखी सहस्र संयुक्ता देवपुत्र्या च भामिनी देवयान्या पुरोद्याने पुष्पिता द्रुम संकुले। एक बार देवया एक बार शर्मिष्ठा ये कथा चालू करें कैसे विवाह किया महाराज ने, महाराज जजाति ने एक ब्राह्मणी से, और वो भी परम श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्या शुक्राचार्य, भृगु वंश में है, भृगु जी के वंश में जन्म लिए हैं शुक्राचार्य, जिस भृगु जी के लात को भी भगवान विष्णु ने सहन किया अपने छाती पर। भृगु जी एक बार परीक्षा लेने गए तीनों देवताओं की, ब्राह्मणों ने भेजा ऋषियों ने कि अब जाकर के परीक्षा लीजिए कि कौन सबसे श्रेष्ठ देवता है। सब लोग जानते थे कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी दुनिया जाने इसके लिए भेजे, तो भृगु जी गए परीक्षा लेने के लिए। तो सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे जिनके डायरेक्ट पुत्र थे भृगु जी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि बेटा है, बहुत दिन के बाद आया है तो प्रणाम करेगा, ये करेगा, लेकिन भृगु जी तो परीक्षा ले रहे थे, उनके धैर्य की, भगवत्ता की, कितना इनको शांति है, कितना धैर्य है, कितना अमानी है। तो जब गए ब्रह्मा जी अभी सामने ही आने लगे तो ये प्रणाम नहीं किए, सीधा पूछे अपने बाप से कैसे हो, ठीक है, ठीक से सृष्टि कर रहे हो, कोई प्रणाम नहीं। ब्रह्मा जी को लगा कि ये पागल हो गया है कि क्या, बाप रे बाप, इतना बड़ा बेटा और इसको क्या हो गया। बहुत क्रोध आया उनको, लेकिन अब उन्होंने क्रोध को दबा दिया पुत्र की ममता से कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो लोग हम पर ही हंसेंगे कि तो आपकी भी तो गलती है, पता नहीं आपने कैसा पुत्र उत्पन्न किया। इसलिए वो इस अज्ञान में ममता में चुप हो गए,
कुछ बोले नहीं, भीतर बहुत क्रोध हुआ। इनकी परीक्षा हो गई। अब वो गए भगवान शिव के पास कैलाश। तो शिव जी की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के नेत्रों से हुई है, तो इसलिए शिव जी और भृगु जी भाई हुए, भाई लगते हैं। भगवान शिव उस समय बैठे थे सभा में ऋषियों के, और माता पार्वती जी भी थी, जो देखे कि हमारे भाई आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए भगवान शिव खड़े हो गए, आने लगे। तो अब क्वेश्चन पेपर बढ़ा दिया था इन्हें, बहुत हार्ड कर दिया। भगवान शिव बड़े प्रेम से मिलने के लिए आए, तो पार्वती जी भी साथ में आई कि हमारे देवर आए हैं और भगवान शिव मिलने के लिए जा रहे हैं खुशी से। भृगु जी तो कुछ दूसरे मूड में गए थे, भगवान शिव को आने दे निकट, आने पर कहते निकट आए तो कहते चलो हटो पिशाच कहीं के, स्नान किए हो, कभी नहाते हो, आते हो मिलने के लिए, छूते हो मुझ पवित्र ब्राह्मण को, छूकर अशुद्ध कर दोगे, सांप लपेटते हो, हड्डी का गहना पहनते हो, तुमको सोना नहीं मिलता है, हड्डी का गहना मुंडमाल और श्मशान में रहते हो, चलो हटो मैं नहीं मिलूंगा। अब तो भगवान शिव को इतना क्रोध हुआ कि तुरंत त्रिशूल उठा लिए गला काटने के लिए, मारने के लिए। तब तक पार्वती जी चरण में गिर गई, अपने प्रभु के भगवान शिव के चरण में गिर गई कि नहीं नहीं छोड़ दीजिए, भाई हैं, अगर कुछ गलती हो गई बोल दिए तो क्या हो गया, छोड़िए छोड़िए। भगवान शिव बहुत देर के बाद शांत हुए कि नहीं आज तो मर्डर कर ही देना है। बस इतना बोलने के कारण, वो इतना कह दिया कि तुम नहाते नहीं हो, श्मशान में रहते हो, अपना सूरत शकल देखो तब मिलने आओ, छी छी। तो बहुत दिन की देर के बाद शिव जी शांत हुए कि नहीं, तो आज तो पूरे टीवी में न्यूज़पेपर में छपता कि शिव जी ने भाई का मर्डर कर दिया, पूरा छप गया होता। तो शांत ले लिए परीक्षा की कितने पानी में है, देख लिए भृगु जी इतना क्रोध जिसको आ सकता है प्रणाम नहीं करने पर, वो भगवान कैसे हो सकता है बताइए। तो फिर वे सीधे गए बैकुंठ, जो प्राकृत जगत में ही बैकुंठ है श्वेत द्वीप, वहां पर गए वे। तो गए अंतःपुर में, चले गए, कोई रोक टोक नहीं हुआ, किसी द्वारपाल ने रोका नहीं, ब्राह्मणों के लिए कोई रोक नहीं थी। वो जय विजय ने एक बार रोक दिया, वो भगवान की ही इच्छा थी वास्तव में। तो ये गए तो भगवान उस समय शेष सज्जय पर सोए थे और श्री जी चरण दबा रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। और गए और जा करके छाती में लात मारे और कहे आलसी कहीं के, रात दिन सोए ही रहते हो। तो भगवान को तो कहते ही हैं गर्भोदक साई, चिरोदक साई, कालोदक साई। भगवान की नींद वास्तव में तमोगुण की नींद नहीं है, वो दिव्य निद्रा है। वो सोते हुए भी नहीं सोते, वो सब कुछ देखते रहते हैं, चिन्मय है, स्पिरिचुअल। लेकिन भृगु जी तो को तो परीक्षा लेनी है, और परीक्षा क्या, वो जानते थे कि भगवान तो भगवान है और जगत में इनका जस फैलाना है। तो जा करके अपना पदाघात किए छाती में, भगवान तुरंत उठ गए बेड से और उठ करके नीचे बैठ गए, उनको बैठाए उस आसन पर और नीचे बैठ गए और चरण सहलाने लगे, कहने लगे हे मुनि आपके कोमल चरण में चोट लग गई होगी। उच्चरण दबाने लगे, मसाज करने लगे, भगवान हमें आपके आने की सूचना नहीं थी, नहीं तो मैं आपका स्वागत किया होता है। और इस तरह से भगवान जब बोलने लगे तो भृगु जी रोने लगे वहीं पर, देख ले कि भगवान इसको कहते हैं जिसका अपार धैर्य, अपार आनंद, किसी एक व्यवहार से ही जो क्षुब्ध हो जाए, वो भगवान कैसे हो सकता है, जिसमें पूर्ण सुख है, पूर्ण ज्ञान है, सब कुछ, पूर्ण शांति। तब उन्होंने ऋषियों की सभा में आकर के कहा कि ये परीक्षा मैं लिया। तब सबने भगवान विष्णु के लिए यज्ञ चालू किया। वो लोग यज्ञ करने वाले थे पर ये सोचने लगे थे कि किसकी पूजा करें, किसकी पूजा करें।
तब भृगु जी जाकर के पता लगा कर आए कि इसकी पूजा कीजिए, वास्तव में पूज्य भगवान है। तो ऐसे भृगु वंश में शुक्राचार्य जी का जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम था कवि, इसीलिए इनको काव्य कहा गया, काव्यस्य यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते। तो इतने बड़े ब्राह्मण की पुत्री से क्षत्रिय होकर के भी विवाह किए, सुनने में बहुत अटपटांग बात लगती है, लेकिन कहीं कहीं ईश्वर का विधान होता है। कोई काम देखने में गलत लगता है लेकिन वो गलत होता नहीं है। जजाति महाराज के विषय में ये है। तो एक दिन की बात है, सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा अपने सखी सहस्त्र संयुक्ता अपने हजारों सखियों के साथ और अपनी गुरुपुत्री देवयानी के साथ अपने नगर के उपवन में गई, गार्डन में गई। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर, सखी सहस्त्र से तात्पर्य है कि अनगिनत बहुत सखियां गई साथ में। राजा की बेटी थी तो राजा की बेटी जब जा रही राजकुमारी गई तो उसके साथ और भी बहुत सी सखियां उसकी गई, और उसने गुरुपुत्री को भी ले लिया। शुक्राचार्य की पुत्री जिसका नाम था देवयानी, तो देवयानी को भी उन्होंने ले लिया उस शर्मिष्ठा ने। तो वे गई उस बगीचे का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुष्पित ध्रुव संकुल, सारे वृक्ष पुष्पित थे, फूल से लदे हुए थे, भरा हुआ था वो गार्डन। और उस गार्डन में, उद्यान में बहुत से सरोवर थे, नलिनी, नलिनी कहते छोटे छोटे तालाब को, बहुत सुंदर, बिल्कुल स्वच्छ जल से भरे हुए, और उसमें गह गह कमल खिले हुए थे, और कमल के फूल पर मंडराते थे भौंरे, बहुत सुंदर लग रहा था। देखा वो वास्तव में वो जो गार्डन था उसमें केवल स्त्रियों का प्रवेश था, पुरुष कोई नहीं जाता था। कुछ नियम ऐसे होता था, किसी वाटिका में केवल स्त्रियां जा सकती हैं, दूसरे लोग नहीं। तो वह राजकुमारी अपने सखियों के साथ और गुरुपुत्री देवयानी के साथ गई। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, ताह जलाशय मासाद्य कन्या कमल लोचना, जितनी भी कन्याएं थी वे कमल लोचन थी, कमल लोचन करते उनकी आंखें कमल के समान सुंदर थी। तो एक अंग के वर्णन द्वारा सारे अंगों का वर्णन कर दिया गया, इसको उपलक्षण कहते हैं संस्कृत में। उनकी आंखें बहुत सुंदर थी, इसका मतलब कि वो कन्याएं बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदरी थी, सबका वर्णन सुखदेव जी कर रहे। ता कन्या कमल लोचना, तीरे नेस दुकुलानी बिजरहु सिंचतिर्मिथा, देखा वो तो स्त्रियों का ही क्षेत्र था और सरोवर में बहुत सुंदर जल और कमल खिला, जल था, कमल खिले थे, सुगंध थी, भौरे थे। उनके मन में ऐसे ही आ गया कि स्नान करेंगे। स्नान करने की योजना बनाकर नहीं गई थी, अगर पहले से स्नान करने की इच्छा होती, संकल्प होता, तो अपना स्पेयर साड़ी लेकर गई होती, कपड़े लेकर के गई होती, लेकिन कोई ऐसा प्लान नहीं था। वहां का इतना अच्छा वातावरण था कि स्नान करने की इच्छा हो गई, और किसी दूसरे का प्रवेश था नहीं, इसलिए तीरे नेस दुकुलानी अपने अपने वस्त्र को, साड़ी को उतार करके, और वे वहां स्नान करने लगी। केवल सूक्ष्म कंचुकी चेष्टर धारण की थी, बस वो स्नान करने लगी इस तरह। जबकि इस प्रकार का स्नान शास्त्र में निषिद्ध है और उस समय समाज में चलता नहीं था, लेकिन वो पड़ गया एकांत, और उन लड़कियों को स्नान करने की इच्छा हो गई, वो स्नान करने लगी। देखिए ईश्वर की घटना, वो पुरुषों के लिए वर्जित था क्षेत्र, उसने नहीं जाना था किसी को। जब वो स्नान कर रही थी, सिंचतिर्मी था, एक दूसरे पर पानी उलच रही थी, खूब युद्ध होता है ना, कंपटीशन होता है, युद्ध में किसी को हरा देना है, परस्पर पानी उछाल रही थी एक दूसरे पर, मिथा परस्पर, इसमें वो बिजर बिहार कर रही थी, कभी जल में तैर रही थी, कभी पानी उछाल रही थी, कभी तट पर आकर के कूद रही थी, जंप ले रही थी,
तब तक उसी समय विक्षा ब्रजंतम गिरिशम दिव्या सह वृषास्थितम, उन लड़कियों ने देखा शर्मिष्ठा आदि ने कि भगवान शिव आ रहे हैं बैल पर चढ़ करके। देखिए ईश्वर की लीला, क्या कोई ये कहेगा कि भगवान शिव रास्ता भूल गए थे? उन सर्वज्ञ ईश्वर को यह पता नहीं है कि ये स्त्रियों का क्षेत्र है, यहां नहीं जाना चाहिए? यही ईश्वर की लीला है वास्तव। तो भगवान शिव वृषस्थितम बैल पर स्थित, वृष पर चढ़े हुए थे देव्या सह, माता पार्वती जी के साथ। भगवान शिव की सवारी वृषभ है, वो आजकल के विमानों से भी कोटि गुना ज्यादा तेज चलता है, देखने में बैल का आकार है लेकिन मन के स्पीड से भी ज्यादा चलता है। हम यहां बैठे हैं, हम एक सेकंड में ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, हमारा मन जा सकता है, इस स्पीड से भी ज्यादा स्पीड भगवान शिव के बैल का है। ऐसा नहीं समझना चाहिए वो बहुत धीमी गति से चलते हैं ऐसे ऐसे। तो अब कुछ लीला करनी थी भगवान शिव को, कुछ भगवान कृष्ण की विष्णु की कुछ और इच्छा थी, तो स्नान करती हुई लड़कियों के तालाब के बिल्कुल निकट और बैल के स्पीड को बिल्कुल धीमा कर दी, उधर से जाने लगे। तो उन लड़कियों ने देखा कि साक्षात भगवान आ गए, तो उनको बहुत बड़ा भय हो गया और लज्जा हुई, लज्जा हुई भगवान शिव को देख करके कि नग्न देख लेंगे, और भय हुआ। भय क्यों क्यों हुआ कि इस तरह के आचरण करने पर दंड दिया जाता था। वो लड़कियां जानती थी कि बहुत से ऐसे ऋषि हुए हैं, देवता हुए हैं, जिन्होंने साप दे दिया है, तो कोई पत्थर हो गया है, कोई कुछ हो गया है, जैसे गौतम जी ने अपनी पत्नी अहिल्या को साप दे दिया कि पत्थर हो जाओ, उसी समय वो स्टोन हो गई, पत्थर हो गई, और भगवान श्री राम जाकर चरण से छुए तो फिर उतर गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, ये घटनाएं समाज में फैली रहती थी कि इस ऋषि ने ऐसा साप दे दिया, इस ऋषि ने ऐसा साप दे दिया, और नग्न स्नान करना एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। एक तो सारे दिशाओं में देवता रहते हैं, स्नान बाथरूम में भी नग्न नहीं होना चाहिए, वहां भी चारों तरफ देवताओं का निवास होता है, एक तो ये बात है। और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति नग्न नहा रहा है तो इससे दूसरे जीवों, दूसरे मनुष्यों में दुर्वासना उत्पन्न होती है नग्न देख करके, तो किसी के भीतर दुर्वासना पैदा कर देना यह बहुत बड़ा पाप है। एक तो ऐसे ही मनुष्य का चित्त संसार में ही लगा हुआ है, भगवान कृष्ण में नहीं लग पाता है, और कुछ ऐसा दृश्य दिखा करके नग्न या जैसा और उसके चित्त को संसार में किया जाए तो यह बड़ा पाप माना गया, अपराध माना गया। तो इस कारण से समाज में ये नियम था कि स्त्रियों को ऐसे रहना है, ये रहना है, वो रहना है। तो आजकल तो अब स्त्रियां जितना ही नग्न या कम कपड़ा पहने उतना ही लोग अच्छा मानते, इधर पुरुष लोग तो फुल पैंट पहनते हैं, स्त्रियां बिल्कुल चड्डी जैसा पहनकर घूम रही हैं, देख रहे हैं संसार की दशा क्या हो गया दुनिया। नग्न कौन रहते हैं? भूत नग्न रहते हैं, उनको कपड़ा नहीं मिलता है, ये गाय भैंस सब नग्न घुमा करते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि अपने शरीर को जथा जोग ढक करके रखें, और विशेष करके स्त्रियों को चाहिए अपने अंगों को ढक करके रखें, अपनी सुंदरता को ढक करके रखें, उसको उस सुंदरता को इंजॉय भोगने का अधिकार केवल पति को है, वो पति के साथ चाहे जैसे रहें लेकिन समाज में कभी भी अपने को इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए, ये समाज का नियम है। तो लड़कियां डर गई कि भगवान शिव तुरंत दंड देंगे, साप देंगे, साप दे देंगे तो हम लोग इसी में मछली हो जाएंगी, चाहे मगर हो जाएंगी, चाहे पत्थर हो जाएंगी, तो तुरंत डर करके और लज्जा से निकल गई। भगवान शिव जब देखे लड़कियों को तो थोड़ा स्पीड और कम कर दिए, और उधर देख नहीं रहे थे, या जल्दी किए होंगे, जल्दी जल्दी चलो, तो वो तो निकल करके सहसो तीर्ज वासंसी पर यधु बीड़िता स्त्रिया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बेचारी लड़कियां थी, भगवान शिव को देख करके उन्हें बीड़िता लज्जा आ गई, और तुरंत तुरंत निकल करके और अपना अपना साड़ी पहनने लगी, किसी तरह से
अपने शरीर को ढक रही थी, ढक करके बैठना झुरमुट में पेड़ के ओट में, तो साड़ी उठाने में क्या हुआ कि शर्मिष्ठा की जो साड़ी थी उसका रंग भी वही था जो देवयानी की साड़ी का था। ऐसे शर्मिष्ठा की जो साड़ी थी वो क्वालिटी में बहुत हाई क्लास की थी, और वो ब्राह्मणी की, ब्राह्मण की कन्या थी तो वो भी साड़ी पहनी थी, लेकिन वो अपने हिसाब से, तो राजा की बेटी थी तो, लेकिन शर्मिष्ठा की साड़ी और देवयानी की साड़ी एक ही रंग का था, मैच कर रहा था। और उधर भगवान शिव का भय लज्जा, वो बेचारी शर्मिष्ठा नहीं जानती थी कि हमारे गुरुपुत्री की देवयानी की साड़ी है, वो अपना साड़ी समझ करके उसके साड़ी को उठा ली और तुरंत लपेट ली, पहन ली किसी तरह से। वो सोचने भगवान शिव जाएंगे तो अच्छा से पहन लूंगी, तो अपने शरीर को ढक करके वो स्वस्थ हुई। भगवान शिव तुरंत चले गए, बिजली की तरह तो आए और चले गए और झगड़ा लगा गए। देखिए यही ईश्वर की गति है। तो देवयानी अब क्रोधित हो गई, अपना समझ करके शर्मिष्ठा ने पहना था साड़ी, और कोई बहुत गलती नहीं थी वास्तव में, इस इमरजेंसी में अगर उसने उसकी साड़ी को पहन लिया तो कौन गलती थी। अब देखिए देवयानी की गलती, इतने बड़े ब्राह्मण की आचार्य की पुत्री होकर भी और व्यवहार में इस तरह से क्रोधित हो गई। प्रकुपिता, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रकुपिता, प्रकर्षेण कुपिता, बहुत ज्यादा क्रोध में हो गई, इसलिए कि हमारी साड़ी को इसने क्यों पहना। अरे पहन लिया तो क्या हो गया, सोचना चाहिए किसी व्यक्ति को, लेकिन क्रोध में आदमी विचार नहीं करता। वो क्रोध में हो गई, जो कि ब्राह्मण को क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे तो शांति का आश्रय लेना चाहिए, इतने बड़े बड़े पिता की पुत्री है, अपने वंश को भी देखना चाहिए, और वो भी राजा की बेटी है, जिस राजा के दरबार में इसके पिताजी रहते थे, राय देते थे, और उनकी कृपा से ही जीते थे खाते थे। अगर उसने पहन लिया साड़ी बेचारी हड़बड़ा करके अपना समझ करके, तो कोई गलती नहीं किया था, लेकिन देवयानी बिल्कुल क्रोध में हो गई। वो क्रोध में कहने लगी, अहो निरीक्षताम अस्या दास्या कर्म यशाम प्रतम, देखो देखो, अपने सखियों से कहने लगी, देखो इस दासी का अन्यायपूर्ण कर्म। राजा की बेटी है, राजकुमारी है, और उसको कहने लगी क्रोध में कि ये दासी है, इस दासी का अन्याय जरा देखो। अस्मद धर्जन ध्रिवती सुनीव हविरध्वरे, मैं जिस वस्त्र को पहनती हूं उसको इस ये पहन ली, छी छी ये तुम क्यों पहनी, लगी गाली देने देवयानी। अस्मद धर्जन धृतवती, मैं जिसको धारण करती हूं, जो साड़ी पहनती हूं, उस साड़ी को इसने छू दिया, इसने पहन लिया, कितना अन्याय है, कितना अयोग्य कर्म इसका है, कितना पाप कर रही है, इस तरह से इसने हमारे साड़ी को धारण कर लिया, हमारे वस्त्र को पहन लिया, जैसे यज्ञशाला में कोई कुतिया आकर के यज्ञ करने के घी को पी जाए। कभी कभी ऐसा होता है, ब्राह्मण लोग यज्ञशाला में बैठते हैं और असावधान हो जाते हैं, तो हवन करने के लिए देवताओं को भोजन देने के लिए घी रखे रहते हैं, तो रात में या कभी दिन में भी असावधान हो गए तो कभी कोई कुत्ता आकर के घी पी जाता है, ये देखा गया है। हमने देखा है, पंडित जी नवग्रह बनाए थे एक वेदी पर, तो एक दिन बनाए थे और दूसरे दिन ले गए हम लोगों को कि यहां पूजा करना है, यहां पूजा करना है, तब तो नव ग्रह पर जो भी चावल रखा गया था एक कुत्ता आकर खा गया था। उन्होंने कहा सारे नवग्रह को साफ कर दिया कुत्ते पे। तो ऐसी भूल होती है, तो कोई कभी कुतिया जा करके यज्ञशाला में और देवताओं का आहार घी पी जाए, ये उदाहरण दे रही है देवयानी। सुनी इव हवि अध्वरे, अध्वरे यज्ञ, जैसे यज्ञशाला में कोई सुनी कुतिया आकर के घी पी जाए, हवि को खा जाए, हवि जो हवन करने का सामान है, घी मिला हुआ, उसको खा जाए, घी पी जाए, वैसे ही हमारे वस्त्र को धारण कर ली। बाप रे बाप, अब तो साफ कुतिया बना रही है।
इस संसार में कोई ठीक नहीं, इतना प्रेम से देखिए ये खेल रही थी, नहा रही थी और क्षण भर में झगड़ा हो गया। हम एक बार इस कथा को कहे तो एक व्यक्ति कहा तो झगड़ा तो शिव जी लगाए ना उनको उधर जाने की क्या जरूरत थी भगवान झगड़ा थोड़े लगाने वाले हैं, जो होने वाला है वो जानते थे कि ये होने वाला है, ऐसा करना चाहिए। ये दोष अर्पण दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए शिव जी के प्रति, कि उनको थोड़ा हिसाब देखकर चलना चाहिए, कहाँ इंट्रांस है, कहाँ प्रवेश करना है, कहाँ नहीं करना है, ऐसे ही बस आंख बंद करके चल देंगे। क्या यह कोई मनुष्य ऐसी गलती करेगा कि रेस्ट रूम है और वुमेन लिखा गया उसमें मेन चला जाए और मेन वाले में वुमेन चला जाए, इसी तो भूल नहीं होती है ना? और वो इतने बड़े ईश्वर होकर देवता होकर के भूल करेंगे, लेकिन ईश्वर के लीला को कोई जानता नहीं है। भगवान शिव क्या किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं वो तो आगे पता चलेगा, तो भगवान शिव का इसमें कोई दोष नहीं था। तो इस तरह से बोलने लगी, अस्मत धार्जन धृतवती सुनी हरिद्वर है, मैं जिस साड़ी को पहनती हूं उसको ये पहन ली, ये पहन ली। हम कभी कभी सोचते हैं अगर पहन ली तो बिगड़ क्या गया। आजकल तो ये बात कम हो रही है, लेकिन पहले भारतवर्ष में ऐसा था कि कोई ऐसी जाति के लोग होते थे, अगर वो कोई किसी का लोटा छू दिए, छाता छू दिए तो बस वह शुद्ध हो गया, बस छूते ही क्या इन्फेक्शन हो गया उसमें समझ में नहीं आता, तो अशुद्ध हो गए। इस छुआछूत के विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने एक अद्भुत आदर्श दिया था, उनका नाम था नरेंद्र। तो एक समय वे कॉलेज में पढ़ रहे थे, नरेंद्र नाम था उनका, नरेंद्र दत्त। तो कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा उनके घर पर दरवाजे पर जहां पुरुषों का निवास होता है वहां पर 10-12 हुक्का रखा हुआ था। हुक्का समझते हैं जिसमें तमाकू डालकर पिया जाता है, नली लगी होती है, एक लोटा होता है पीतल का, बहुत लंबा नली से खींचना होता है उसको तो हुक्का कहते हैं। माटी में मिट्टी में तंबाकू का रस मिलाकर या गुड़ में उसको रखते हैं और उसको गुड़गुड़ी भी कहते हैं, क्योंकि पानी जब आंदोलित होता है हवा खींचने से तो गड़गड़ करता है तो उसको गुड़गुड़ी भी कहते हैं। तो आजकल के लड़के नहीं समझ पाएंगे इसको कौन सा मशीन है ना लेकिन हम लोग भारतवर्ष से आए हुए सब समझ सकते हैं। तो हुक्का रखा हुआ, 10-12 हुक्का रखा हुआ था। तो एक दिन वे कॉलेज गए नहीं नरेंद्र, और उनके पिताजी अटर्नी थे, वकील थे। तो उनके आने का जब समय था तो नरेंद्र हुक्का पी रहे थे, कभी इस हुक्का को, कभी उस हुक्का को, कभी उस हुक्का को, 10-12 हुक्का रखा हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद उसको पी रहे थे, उनके पिताजी आए और कहे, नरेंद्र ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। नहीं, इसके पहले की घटना है कि एक बार नरेंद्र ने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी एक हुक्का से सबका काम चल जाएगा तो इतना हुक्का क्यों रखे। तो उनके पिताजी ने बताया, सब पर लिखा हुआ था कि यह इस जाति के लिए हुक्का है, ये ब्राह्मण के लिए है, ये क्षत्रिय के लिए है, ये इसके लिए है, इस जात के लिए है, इस जात के लिए है। तो उन्होंने पूछा विवेकानंद जी ने कि अगर एक जाति के हुक्के को दूसरे जाति वाला पी ले तब तो उसकी जात चली जाएगी, अगर शूद्र के हुक्के को ब्राह्मण पी ले तो उसका ब्राह्मण तो खत्म हो जाता है, उसकी जात चली जाती है, इसीलिए जात को बरकरार रखने के लिए अलग अलग हुक्का रखा हुआ है। तब इस बात को जब सुने तो एक दिन स्वामी विवेकानंद अपने पिता के आने के समय पर हुक्का सब पीने लगे, सारा हुक्का, कोई जाति पाति का भेद नहीं था, ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं। उनके पिताजी आए तो कह रहे, नरेंद्र तुम ये क्या कर रहे हो। तो नरेंद्र ने कहा कि पिताजी मैं ये देखना चाहता हूं कि हुक्का पीने से हमारी जात किधर से जा रही है, किधर निकल रही है, मैं ये देखना चाहता हूं। तो कहीं गई नहीं, हमारी जाति कहीं जा नहीं रही है, मैं बार बार पी करके देख रहा।
तब उनके पिताजी बिल्कुल स्तंभित हो गए कि तो अद्भुत लड़का है। अब वो क्या कहें, बाद में नरेंद्र नहीं बताया कि पिताजी ये सब भ्रम है और ये हुक्का पीने से जाति चली जाती है। वास्तव में यह जो कुरीति हमारे देश में प्रचलित बहुत थी, महात्मा गांधी ने भी इसका बहुत विरोध किया। हम पढ़ते हैं भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जो कल्याण के संपादक थे, तो कल्याण में नियम था कि जीवित व्यक्ति का चित्र नहीं छपेगा कभी भी, अभी भी नहीं छपता है। लेकिन उन्होंने एक अपवाद किया, प्रभुपाद जी का चित्र छाप दिया कल्याण में, और प्रभुपाद जी के शिष्यों का भी कीर्तन करते हैं, और प्रभुपाद जी वहां पर लिखे हैं नीचे कि यद्यपि कल्याण का यह नियम है पत्रिका का कि जीवित व्यक्ति का चित्र नहीं छापना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि स्वामी जी का चित्र छापना जरूरी है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत प्रोत्साहन दिया था उन्होंने, 3 खंड भागवत छाप करके भाई जी ने दिया था प्रभुपाद जी को अमेरिका जाने से पहले, और अमेरिका से आए तो सबसे पहले भाई जी से मिलने गए थे। तो इस तरह से जब ये प्रश्न हुआ भाई जी के सामने कि ये तो संन्यास दे रहे हैं बहुत पश्चात देश के लोगों को, मलेच्छों को, क्या क्या, तो भाई जी ने कहा कि स्वामी जी बिल्कुल उचित कर रहे हैं। दूसरे लोग कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कई लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ये कैसे वैष्णव हो सकते हैं, ये कैसे, जबकि शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र कहता है कि हुणांध्र कैसे है, आभीर कंका जवना खसादय, वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, शुरू का याद नहीं, किरात हुणांध्र पुलिंद पुल कसा आभीर कंका जवना खसादय यन्नी च पापा जदुपाश्रय आश्रय शुद्ध्यंति तस्मय प्रभु विष्णवे नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के भक्त का आश्रय लेने पर किरात हूण आंध्र म्लेच्छ जवन कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है और भगवान को प्राप्त करता है। तो उसको तो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रकट दिखाया, शास्त्र कहता है, भागवत कह रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चेंचाक करते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कि ऐसा क्यों कि ऐसा क्यों कि, लेकिन ये तो जरूरी है। तो देखिए यह एक कुरीति, उतने बड़े ब्राह्मण की पुत्री हो करके इस अज्ञान में थी कि हमारी साड़ी को अगर शर्मिष्ठा ने पहन लिया तो हमारी साड़ी अशुद्ध हो गई, वो अशुद्ध हो गई। भगवान शिव तो चले गए, उसके बाद झगड़ा करने लगे, खूब बोल रहे थे, जय रिदम तपसा श्रेष्ठम, जानती हो अपने सखियों में प्रवचन कर रही है, हम लोग तपस्या के द्वारा इस विश्व की सृष्टि किए हैं। वास्तव में यह सृष्टि ब्राह्मणों के द्वारा हुई है। आज भी आप अपने गोत्र का नाम पूछेंगे तो कोई न कोई ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण ही इस जगत को उत्पन्न किए हैं, ये सत्य है। ब्रह्मा जी के कई पुत्र हुए जिन्होंने इस जगत की सृष्टि किया, यह इदम तपसा सृष्टि, और कैसे सृष्टि किया, तपस्या द्वारा, बहुत तप किए, भोजन छोड़कर नींद छोड़कर के शक्ति प्राप्त किए और इसके बाद विविध जीवों की सृष्टि किए। तो ये तो ठीक बोल रही है कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोगों ने विश्व की सृष्टि किया। और एक बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति हुआ जो कहा कि हम लोगों की सृष्टि बानर किया, डार्विन नाम का कोई व्यक्ति, बताइए, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा गोत्र कौन है तो वंश प्रवर्तक को गोत्र कहते हैं, वंश किसने चालू किया तो वो तो कहता है मंकी ने। ये केवल सनातन धर्म के लोगों को पता है कि उनके वंशज, उनके पूर्वज कोई ऋषि रहे हैं, ब्राह्मण हैं, चाहे अत्रि, सांडिल्य, वशिष्ठ, गौतम, ऐसे ब्राह्मणों ने ही सृष्टि किया है। वास्तव हम लोग सब लोग ब्राह्मण की संतान है मूल से, बाद में भगवान ने वर्ण और आश्रम बनाया, वर्ण धर्म बनाया, लेकिन वास्तव में ओरिजिन देखा जाए तो सबके ओरिजिन ब्राह्मण है। तो एक प्रकार से देवयानी के कहने का आशय है कि हम लोग पिता हैं, हम लोग जगत को पैदा किए, हम लोग मतलब ब्राह्मण, जय रिदम तपसा सृष्टम,
मुखम पुंसा परास्थित, ये हम लोग भगवान विष्णु के मुख हैं, तो ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए कह रही है हम लोग भगवान विष्णु के मुख हैं, हम लोगों के द्वारा वे खाते हैं। भगवान ने कहा है कि मैं, मेरे खाने के दो मुख हैं, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। तो अग्नि में हवन किया जाए स्वाहा हाहा करके तो मैं उसे उतना खुश नहीं होता हूं, लेकिन ब्राह्मण को खिलाया जाए, वैष्णव के मुख में हवन किया जाए तो उससे मैं ज्यादा तृप्त होता हूं। तो हम लोग तो भगवान विष्णु को तृप्त करने वाले हैं, इसलिए हम लोग श्रेष्ठ हैं, हम लोग श्रेष्ठ हैं। इस तरह से कह रहे हैं कि तुम तो बिल्कुल नीच हो, हम लोग तो श्रेष्ठ हैं, हम लोग भगवान विष्णु के लिए खाते हैं, हमारे मुख से भगवान खाते हैं। इससे बढ़कर श्रेष्ठ कौन होगा कि जिसके जो मुख है भगवान को तृप्त करता है। अगर कोई वैष्णव कोई ब्राह्मण खाता है, मान लीजिए हलवा खा रहा है और हलवा में टप टप घी टप टपक रहा है, तो भगवान को उसे बहुत तृप्ति होती है। लेकिन अगर उस ब्राह्मण को डायबिटीज है तो अब क्या तृप्त। ये नियम है वास्तव में, वैष्णवों को खूब खिलाना चाहिए, खूब खिलाना चाहिए, तो उसे भगवान तृप्त होते हैं। भगवान ने तीन बार भागवत में बात कहा है कि अग्नि में आहुति देने से मैं उतना प्रसन्नता से नहीं खाता हूं जितना ब्राह्मणों और मेरे भक्तों के मुख में हवन करने से मैं खाता हूं। इस तरह भगवान के उद्गार हैं। तो वो कह रहे कि हम लोग विश्व की सृष्टि किए हैं और हमारे मुख से भगवान खाते हैं, और धार्यते जयरिह ज्योति, और हम लोग ब्रह्म को धारण करते हैं, भगवान को हृदय में धारण करते हैं, और शिव पंथा सनातन, हम लोग वेद पढ़ते हैं और वेद की शिक्षा दूसरों को देते हैं, वेद धारण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम लोग श्रेष्ठ हैं। हम लोगों के पहने हुए वस्त्र को ये क्यों पहनेगी? अरे श्रेष्ठ हो तो इसका मतलब क्या? देखिए अपने को श्रेष्ठ बता रही है लेकिन क्रोध में है, प्रकुपिता, और फिर कह रहे जान बदंत उपतिष्ठन्ते सहलोका सुरेश्वरा, हम लोगों की वंदना लोकनाथा सुरेश्वरा, हम लोगों की वंदना मनुष्य की तो बात छोड़ दो, इंद्र आदि लोकपाल करते हैं और देवता लोग हम लोगों की वंदना करते हैं, और देवताओं की बात भी छोड़ दो, भगवान अपि विश्वात्मा पावन श्री निकेतन, हम लोगों की वंदना हम लोगों को प्रणाम भगवान विष्णु भी करते हैं, जो कि श्री जी के पति हैं, समस्त धन के अधिकारी हैं, परम पावन हैं, दिव्य हैं, सब सभी जीवों के हृदय में बसते हैं, अंतर्जामी परमात्मा, वे भी हम लोगों की वंदना करते हैं। तो अपनी बड़ाई करने लगी तो खूब कर रही है, लेकिन देहूति की यह विशेषता है, क्रोध में भी वो भगवान का गुण गा रही है। देखिए यही बड़े लोगों की पहचान, क्रोध हुआ है लेकिन उपमा दी गई है कि चंदन को यदि जलाया जाए तो जलाने पर भी वो सुगंध देता है, इक्षु को गन्ना को यदि संकट में डाल दिया जाए पेरा जाए तब भी वो मीठा रस उगलता है दूसरों के लिए। तो जो बड़े लोग होते हैं उन पे क्रोध भी आवे कुछ भी आवे लेकिन वो लोग बहुत कुछ अच्छा वचन बोलते हैं। देवयानी जो कुछ भी बोल रही है उसे भगवान की ही महिमा व्यक्त हो रही है, भगवान पावन श्री निकेतन विश्वात्मा, ये सब गुण है भगवान के, भगवान विष्णु सबके आत्मा है, अंतर्जामी है, परम पावन है, उनका नाम लेने से भी सब लोग पवित्र हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। संकट में है बेचारी, मतलब क्रोध में है, लेकिन भगवान का गुण उसके मुख से निकल रहा है, यही उसकी विशेषता थी। और आगे कहते हैं कि भगवान विष्णु भी हम लोगों की वंदना करते हैं। भगवान विष्णु कैसे हैं? तो पावन श्रीनिकेतन विश्वात्मा, इसे भगवान के दिव्य गुण निकल रहे हैं उसके मुख से। और तत्रापि वयम भृगव, उसमें भी हम लोग भृगुवंशी हैं, हम लोग साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, हम लोग भृगुवंशी हैं। और शिष्यस्य न पिता सुर, और इसका पिता शिष्य है हमारे पिता का,
एक तो हम लोग भृगुवंशी ब्राह्मण है, उस पर भी इसके गुरु हैं, इसका बाप हमारे पिता का गुरु है, शिष्य है, वो असुर असुर कह रही है असुर, इतनी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ये भी बेटी है तो, और राजा के विषय में बोल रही है कि इसका पिता हमारे पिताजी का चेला है, शिष्य है, असुर है, अस्मद्धार्यम धृतवती शुद्रो वेद मिवासती, यह असती यह दुष्टा उस तरह से मेरे साड़ी को पहन ली जैसे कोई शूद्र वेद पढ़ने लगे। ऐसे ऐसे शूद्र से तत्पर्य मतलब जिसमें बिल्कुल बैड क्वालिटी है, न नहाता है न दांत धोता है कुछ नहीं, और वेद पढ़ने लगे, शुद्ध हो करके वेद पढ़ना चाहिए। तो ये उदाहरण दे रहे थे कि शूद्रो वेदम इव असति, यह असति यह दुष्टा वैसे हमारे साड़ी को पहन ली जैसे शूद्र वेद पढ़ ले। सारी सखियां सुन रही थी, वो तो राजा की बेटी थी तो सुनेंगी, नहीं अभी तो सुन रही थी, ये गुरु की पुत्री बोल रही है तो सुन रहे थे। इतना देर तक श्रवण किया शर्मिष्ठा ने, सुना तो बेचारी सुनती रही, लेकिन जब हद कर दिया कि कुतिया घी पी गई यज्ञ में, यह शूद्र की तरह वेद पढ़ ली, ये नीच है, असुर है, इसका पिता हम लोगों का शिष्य है, फिर भी हमारे साड़ी को पहन लिया। और बेचारी जानबूझकर नहीं पहनी थी, स्वयं मत्व सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपनी साड़ी पहन समझ करके बेचारी पहन ली थी। तो उसके बाद होता क्या, धो करके सुखा करके दे देती, अच्छा जो भी उसका साड़ी पहन करो घर चली जाती, इसका पहन करो चली जाती, बाद में बदल लेती अपना अपना, क्या हो जाता। लेकिन वहां झगड़ा करने लगी, गाली जब दी, पिता को गाली दी तो शर्मिष्ठा को बर्दाश्त नहीं हुआ, उस क्रोध से कांपने लगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उरंगी व स्वसंती, जैसे सर्पिणी के समान सांस लेने लगी। आप लोगों ने देखा होगा सांप जब क्रोधित होता है कितना फह फह सांस लेता है, तो राजपूत की पुत्री थी और उस पर यह आघात हुआ, तो इस आघात को बेचारी शर्मिष्ठा सह नहीं पाई, उस सर्पिणी के समान फुफकार करने लगी, लंबी सांस खींचने लगी, और उसने सीधा कहा, ये तो भगवान की महिमा गा रही थी लेकिन वो तो बिल्कुल व्यवहार में आ गई, वो उतने उन्नत पिता की पुत्री नहीं थी तो वो व्यवहार को ही महत्व देने लगी। कहती आत्मवृत्तम अभिज्ञा कथ से बहु भिक्षु की, अरे भिखमंगिन, पहला इसने कहा अरे भिखमंगिन, इसका मतलब ये है कि भिक्षु की, कि तुम्हारा बाप हमारे यहाँ पूजा पाठ करा करके जीता है, भीख मांग कर ले जाता है। देखिए एकदम व्यवहार पर उतर आई, वो गुरु थे कितने महान, उनकी कृपा से ही असुरों की रक्षा होती थी, वो भी ब्राह्मण पूजा, अगर मान लीजिए गुरु की पुत्री कुछ बोल दी तो शर्मिष्ठा को चाहिए था कि सह ले, जाने दीजिए गुरु की बेटी है बोल रही है तो सह लेना चाहिए, जो व्यक्ति सह लेता है वही महान है ना, सहना एक बहुत बड़ा गुण है। जैसे आप अभी आपने भगवान के विषय में सुना कि भृगु जी के पदाघात को भी वह सह लिए, प्रेम से उनका स्वागत कर रहे थे, और शिव जी केवल दुर्वचन सुन करके सहन नहीं कर सके, जब भृगु जी ने कहा कि तुम हड्डी की माला पहनते हो, गहना पहनते हो, सांप लपेटते हो, नहाते नहीं हो, हमको मत छुओ, इतने पर मारने चले थे, और कहीं भृगु जी पैर से मार दिए होते तब तो खत्म हो गए होते भृगु जी, वहीं पर टांग उठाकर भगवान शिव पटक दिए होते, मर गए होते वहीं पर। तो सहन जो करता है वही महान है किसी भी बात में। शर्मिष्ठा का यह कर्तव्य था वो सह ले, अपने क्रोध को रोक ले, ऐसी बात न बोले, उसको भिखमंगिन बनावे गुरु की पुत्री को। तो उसको भिखमंगिन बनाने का मतलब है कि गुरु को भिखमंगा कह रही है। आत्मवृत्तम अभिज्ञा, आत्मवृत्तम का तुम्हारी जीविका कैसे चलती है इसको कभी सोचा है तुमने, कैसे तुम्हारे घर में भोजन बनता है या कपड़ा होता है, घर बना है सब, हमारे पिताजी की कृपा है तब तुम लोग जी रहे हो, और तुम इतना बड़ा बन रही हो, भगवान वंदना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, देवता वंदना करते हैं, तुम ये नहीं देखते हो कि कैसे घर का काम चल रहा है, बिल्कुल व्यवहार पर उतर आई। वो तो आध्यात्मिक बात कर रही थी,
वो तो ऊंचे ब्राह्मण के सर्वश्रेष्ठ आचार्य की पुत्री थी, अतः बेचारी क्रोध में थी, लेकिन फिर भी भगवान की बात बोल रही थी, अच्छी बात बोल रहे थे। और ये बिल्कुल मैनेजमेंट पर उतर आई, बिल्कुल बिल्कुल थर्ड क्लास के स्तर पर। तुम कैसे खाती हो, कैसे पीती हो, तुम्हारा बाप आकर के हमारे यहाँ ड्यूटी बजाता है, तब कुछ मिल जाता है तो ले जाकर के खाती हो, और ये वंदना करते हैं, वो वंदना करते हैं, अपना नहीं देख रही हो कैसे काम चलता है। एवं विधय सुपुरुष परुष है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार से उसने बहुत बोलना चालू किया, बहुत बोलना चालू किया, और सब जितनी सखियां थी सब तो उसके पक्ष में थी, वो तो राजा की बेटी थी, और वो गाली देना चालू किया, वो भी क्रोध में भूल गई। जब क्रोध में व्यक्ति होता है तो उस समय कुछ भी ध्यान नहीं आता है कि हम किसको गाली दे रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब नॉर्मल कंडीशन में आता है तब पता चलता है अरे तो मैं बहुत गलत बोल दिया, बहुत गलत बोल दिया। कभी कभी आदमी अपनी पुत्री को गाली देने लगता है, गाली देता है, कभी बेटा को गाली देता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक व्यक्ति को मैं देखा था क्रोध में, उसको भोजन पहुंचाने में देर हो गई। प्राय गांव में ऐसा होता है कि लोग खेत पर हल चलाते हैं तो उनको भोजन पहुंचाया जाता है सवेरे, वहां तो पहुंचाने में देर हो गई। इतने पर वे हल चलाना छोड़ करके घर आए और जितना बासन था सब लाठी से मारकर तोड़ दिए। तो भोजन अभी बना नहीं, तो थोड़ा छोटा सा भोजन ब्रेकफास्ट देना था अभी, तो अब दोपहर का लंच बनाने के लिए अब बर्तन नहीं था। तो फिर कुछ देर के बाद, दो घंटे के बाद, वही पैसा लेकर के बाजार गए बर्तन लाने के। तो नॉर्मल कंडीशन में जब हुए तो एक तो ये ध्यान नहीं रहा कि मैं अपने ही बासन को, अपने ही बर्तन को फोड़ रहा हूं। और ये हमने देखा एक व्यक्ति खेत पर थे, क्योंकि हम गांव के हैं और किसान के ही लड़के हैं, इसलिए हमको ये सब बात बहुत मालूम है। तो खेत में गन्ना लगाया गया था, गर्मी का दिन था, और एक जगह पर बिजली मोटर चलती थी, पंपिंग सेट, वहां से पानी जाता था। तो अकस्मात बिजली कट गई थी, पावर चला गया था, पानी उधर नहीं जा रहा था, तो जो खेत में थे वो समझे कि कहीं फूट गया है, वो करहा कहते हैं जहां से पानी जाता है जिस मार्ग से, वो कहीं फूट गया है, पानी बह रहा है। तो अपने लड़के को कहते दौड़ो दौड़ो, कहीं पर फूट गया है, नाला फूट गया है, पानी नहीं आ रहा है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो बेचारा दौड़ा तो देखा को तो पावर कट गया था, वहां नाला कहीं टूटा नहीं था, पावर कट गया तो बिजली नहीं थी इसलिए नहीं चल रहा। तो वो इतना क्रोध में थे, इतना क्रोध में थे, वो बच्चा कहता है अरे वो लाइन नहीं है, बिजली नहीं है। तो क्रोध में कहते नहीं है तब भी चालू करो, नहीं होने से क्या होगा, तब भी चालू करो। तो दूसरे लोग हंसने लगे कि जब लाइन नहीं है तो क्या इतने क्रोध में थे, हमको गन्ना का खेत पटाना है किसी तरह से, तुम चालू करो, नहीं पावर है फिर भी चालू करो। इस तरह से क्रोध में आदमी बोलता है। वो लड़का ने कह दिया तुम ही चालू करो ना, तुम चालू करो। तब जब चेम्बर में आए तब धीरे धीरे शांत, धीरे धीरे शांति मिली। तो क्रोध में दो लड़कियां आपस में बोल रही हैं, उसको भी वो भी प्रकोपिता है, और इसको तो शर्मिष्ठा को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो सांप के समान क्रोध में आ गई। इस संसार में बहुत जीव क्रोधी होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा क्रोधी सांप होता है। तो सर्पिणी से उपमा दिए, कांप रही थी और बोल रही थी, और वो तो आध्यात्मिक बात कर रही थी, सतुगुणी बात, लेकिन ये बिल्कुल व्यवहार पर उतर आई, मतलब धन पर। तुम क्या बोलोगी, हमारे पिता इतने धनी हैं, दुनिया के राजा हैं, तुम्हारा बाप भिखमंगा है, भले दुनिया पूजा करे पूजा करे, लेकिन तुम लोगों के पास है क्या, आज के खाने का ठिकाना नहीं है, तुम्हारा बाप आता है हमारे दरबार में हाजिरी बजाता है तो कुछ मिल जाता है खाता है, और तुम इतना बढ़ बढ़ कर बोल रही हो। और इसके बाद बोलती गई बोलती गई, अगर क्रोध आ जाए तो मनुष्य को चाहिए कि वो बोले ना, अगर नहीं बोलेगा तो उसका क्रोध मर जाएगा कुछ दिन में। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी हमें गुस्सा बहुत आ जाता है,
तो गुस्सा आ जाता है तो उसका एक ही उपाय शास्त्र में बताया गया है कि आप जोर लगा करके बोलिए मत, बस चुपचाप मौन रहिए। क्रोध का बल है परुष वचन, कठोर वचन। आदमी जब बोलता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है, तो क्रोध और भभकता है। लेकिन चुप हो जाए, बोले ही ना, तो कुछ दिन में क्रोध मर जाएगा। लेकिन ये शर्मिष्ठा जब बोल रही थी तो इसको कोई रोकने वाला नहीं था, बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। सुखदेव गोस्वामी कहते एवं विधई सुपरुष है, इस प्रकार के बहुत कठोर वचन बोली। एवं विधई से वो कह रहे हम क्या क्या कहें, वो क्या क्या बोल रही थी, बहुत बोली। सुखदेव जी कहते हैं तो बहुत बोली, कोई सखी रोकी नहीं। अंत में शर्मिष्ठा इस स्तर पर आ गई, ठीक है मैं तो तुम्हारी साड़ी को पहननी हूं, तुम मेरी साड़ी खोलो। दो साड़ी, वो बेचारी देवयानी रोने लगी। लेकिन देखिए इतना कठोर हृदय शर्मिष्ठा का, उसने जबरदस्ती साड़ी खोल दिया और दो चार सखियों को कही आओ इधर, और उसको कुआं में पटक दिया। इतना क्रोध आ गया। लेकिन यह भी कोई शोक की बात नहीं है, यह ईश्वर का विधान था, आगे पता चलेगा। तो ये कुआं में पटक दी, और उतनी लड़कियां थीं, लेकिन एकदम एक मत होकर के कह दी कोई इस भेद को नहीं खोलेगा, अरे मर जाए इसी में। इतना बनती है, साड़ी पहन ली तो इतना बोली, ये बोली। अब एक प्रकार से मार ही दिया देवयानी को, लेकिन वो तो भगवान की कृपा से गिरी कुएं में, पर उसके शरीर में कहीं खरोच नहीं लगी, चोट नहीं लगी। वो नग्न लड़की बेचारी पानी में रही, वो तट को पकड़कर जैसे तैसे रही। तब तक उसी समय क्या हुआ, ये लोग तो घर चली गई लड़कियां, एक मत हो करके। कभी कभी हम आश्चर्य करते हैं, भागवत में चित्रकेतु महाराज की कथा है, उनकी 60 लाख स्त्रियां थी, 1 करोड़ संस्कृत में 60 लाख। तो उन लोगों ने एक लड़के को 20 दे दिया और एक मत रही, एक गुट, किसी ने भेद नहीं खोला, पता ही नहीं चला कि किसने 20 दिया। एक भी फूट नहीं हुई कि हम कह दें कि इसने किया ये किया। तो यहां पर सबको शर्मिष्ठा ने कहा कि घर चल करके ये घटना बताना नहीं है, अगर कोई पूछे कि देवयानी कहां गई तो चुप रहना कि हमको पता नहीं कहां गई। इतना कठोर स्वभाव, स्त्रियों का कठोर स्वभाव होता ही है, बहुत कठोर होता है। हाँ, ये शास्त्र कहता है जब वो जीत पर आ जाती हैं तो पुरुष की शक्ति वहां काम नहीं करती है। साहस उनमें बहुत होता है, होता है। ऐसे एक लड़की को पटक करके और चली गई और सबको चेतावनी दे दी कोई इस रहस्य को नहीं खोलेगा। चलो, जब घर चली गई, उसी समय की घटना है। जजाति महाराज उधर घूम रहे थे मृगया में, उनको अकस्मात अद्भुत प्यास लग गई। यह भगवान की प्रेरणा थी। हम लोग तो जानते हैं भाई इतने देर तक हमको प्यास नहीं लगेगी, है ना, लेकिन अभी पानी पिए और 1 मिनट के बाद खूब कड़ी प्यास लग जाए तो कोई ना कोई शरीर में खराबी होगी या कुछ होगा। जजाति महाराज को बहुत जोर से प्यास लग गई और प्यास से व्याकुल होकर के घूमते घूमते उसी कुआं में आ गए, कुआं पर आ गए। उन्होंने पहले देखा कि पानी है कि नहीं कुआं में, जब ही वे पानी के लिए झांके कुआं में देखे, उन्होंने देखा कि परम सुंदरी एक कन्या ज्योति लड़की इसमें गिरी हुई है। तो फिर उन्होंने अपने नेत्र को हटा लिया। वे इतने सुशील धार्मिक राजर्षि थे कि वे किसी स्त्री पर, किसी कन्या पर देख ही नहीं सकते थे, वो भी नग्न कन्या पर कैसे देखे। लेकिन वे समझ गए कि ये गिरी हुई है, कुएं में गिरी हुई है। और उसने आवाज भी दिया कि महाराज आप मुझे निकाल लिए। तब महाराज ने अपने धनुष के नोक से तट को खोदा, नीचे किए, और इसके बाद अपना दुपट्टा निकाले और वस्त्र कमर में बांधे थे, इसको इनमें कई गांठ लगाए और नीचे डाले और कहे कि तुम इसको पकड़ करके आओ मेरे पास, मैं खींच रहा हूं तुमको। और एक कपड़ा डाल दिए थे कि तुम लपेट लो इस कपड़े को। इस तरह से बड़े आसानी से आई
आई तो महाराज जजाति ने ऊपर आने पर सोचे कि फिर गिर न जाए, इसलिए उसका बांह पकड़ा ऐसे निकालने के लिए, ऐसे बांह पकड़ा ऊपर आ गई। इस कथा को मैं कल विस्तार से कहूंगा। तो आई तो उसने कहा कि महाराज मेरा पानी ग्रहण अब दूसरा कोई न करे, आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, आप ही मेरे स्वामी हैं, हमारे पति हैं। तो महाराज जजाति कान बंद कर लिए कि मैं तो क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मण की बेटी है, वो समझ गए, उसने परिचय दिया। तो कहे नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकता। तब उसने रिक्वेस्ट किया कि महाराज मेरा विवाह ब्राह्मण से होगा ही नहीं, ऐसी व्यवस्था है। तो पूछे कैसे, तो उसने एक कथा सुनाया कि कच्छ बृहस्पति जी का लड़का है जो देवताओं के गुरु हैं, असुरों के विरोधी। तो गया था बृहस्पति जी से विद्या पढ़ने, सारी विद्या पढ़ लिया, मृत संजीवनी विद्या और भी अनेक प्रकार की विद्या, मरे हुए को जिलाने वाली विद्या। और तो कच्छ पढ़ने नहीं, कच्छ बृहस्पति जी का लड़का था और पढ़ने आया शुक्राचार्य के पास, मैं भूल गया था, शुक्राचार्य जी के पास पढ़ने आया था। शुक्राचार्य जी जानते थे कि हमारे द्वेषी के लड़का है, लेकिन फिर भी पहले के लोग इतने संकुचित माइंड के नहीं होते थे, उन्होंने पढ़ाया खूब मन लगाकर। तो वहीं पर देवयानी रहती थी, तो कच्छ के सौंदर्य को देखकर देवयानी के मन में इच्छा हुई कि हम इससे विवाह करें, गंधर्व विवाह करें। गंधर्व विवाह को ही लव मैरिज कहते हैं, इधर का तो लव मैरिज का है तो लस्ट मैरिज है। तो मैरिज तो वास्तव में गंधर्व विवाह भी बहुत पवित्र विवाह है। एक लड़के के अलावा, एक पति के अलावा स्वप्न में भी दूसरे लड़के से कोई संबंध नहीं होता, इसको कहते हैं विवाह, गंधर्व विवाह। और देव विवाह में तो माता पिता कन्या को अर्पण करते हैं, कन्यादान करते हैं। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विवाह किया था, ये भागवत में लिखा गया, बलात् कन्या को हर करके लाए थे। वो कन्या चाहती थी भगवान को, रुक्मिणी, तो कई राजाओं को परास्त करके लाए थे। तो इस प्रकार से जब वो देवयानी विवाह करना चाहती थी, लेकिन कच्छ का नियम था कि मैं जीवन में ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तो जब उसने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझसे आग्रह मत करो, तब देवयानी ने शाप दे दिया उसको, कहा कि मेरे पिताजी से तुम जो भी विद्या पढ़े हो सब भूल जाए, एक भी बात याद न आवे। वो कई बरस मेहनत करके पढ़ा था बेचारा, और इसने विवाह नहीं करने का कारण श्राप दे दिया कि तुम सारा भूल जाओ। तो कच्छ को भी क्रोध आया, उसने कहा कि मैं श्राप देता हूं कि कोई ब्राह्मण तुमसे विवाह नहीं करेगा। अब तो दोनों ब्राह्मण श्राप लग गया। तो देवयानी ने कहा कि महाराज किसी ब्राह्मण के साथ मेरा विवाह नहीं होगा, ईश्वर के द्वारा आप ही मेरे वर नियुक्त किए गए हैं, तो मैं आपको अपना पति मानती हूं अनन्य मन से, और आपने हमारा उद्धार किया, हमारा प्राण बचाया है आपने, हमारे जीवन की रक्षा किए हैं, तो मैं तो आपकी अर्धांगिनी बनूंगी, आपकी सहधर्मिनी। महाराज जजाति के सामने ये जो धर्म संकट उपस्थित हुआ, विचारणीय बात, लेकिन महाराज जजाति ने उनमें स्वीकार किया। वो समझ गए कि भगवान की कोई ये प्रेरणा है, उनका मन भी जा रहा था, उनके मन में हो रहा था कि यह मेरी पत्नी बने। तो बड़े लोगों का मन जहां जाता है वो धर्म के अनुसार ही जाता है, अधर्म में नहीं जा सकता, उनका मन ही प्रमाण होता है। अगर मन में हो रहा है बड़े लोगों के कि ये काम ठीक है तो ठीक ही होता है, लेकिन ऐसा सभी को नहीं सोच लेना चाहिए कि हमारे मन में जो आ रहा है वही ठीक है। तो इस प्रकार से देवयानी और महाराज जजाति के बीच जो बात चल रही है, तो कल हम इसको थोड़ा और विस्तार से कहेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, धन्यवाद।